नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम हैं पहलवान वीर बाबा मंदिर के पास। इस मंदिर को पच भैया के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर प्रतापगढ़ जिला, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, प्रतापगढ़ में छतरपुर के पास बना हुआ एक मंदिर है। हम इस मंदिर में चलेंगे तथा इस मंदिर के दर्शन करेंगे। धीरे धीरे हम चलते हैं, आप देख सकते हैं, आप चारों तरफ ही जंगल है। ये जंगलों के बीच में बना हुआ टेंपल है, आप देख सकते हैं चारों तरफ ही जंगल है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं अभी प्रतापगढ़ का ही रहने वाला हूं और मेरा घर यहां से मात्र 2-3 किलोमीटर दूरी पर है। मैं अपने घर आया हुआ था, मैंने सोचा इस फेमस टेम्पल के दर्शन आप लोगों को भी कराऊं। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि बहुत ही पुराना यहाँ पर पीपल का पेड़ है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं पे, आप बताइए, पूरी नॉलेज दीजिए, कुछ इसके बारे में ज्ञान दीजिए। यहाँ पे इनकी बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा अच्छा, कैसे कैसे यहाँ पे इंसान अपने ज्ञान में मंदिर जो बनी हुई है मकईपुर का। एक औरत बेचारी इतनी बीमार थी, उनका नाम नहीं है उसमें लिखा हुआ था ना, उसने पढ़े लिखे नहीं है। चलेंगे अभी लेकर के वहाँ पर, भाई घर लगा रहा हूँ, नहीं देखा हूँ तो यहाँ पे नीच शक्ति से। दूसरा क्या कहूँ, हम स्वयं हमारे बच्चे बीमार थे, इतिहास में 3 साल हो गया, उनके आसन पे आके मैंने माथा टीका उसे पटका हूँ, मैं भी ठीक हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, मैं भी खुद इनका हूँ। आप देख सकते हैं स्थानीय लोगों का कितना विश्वास है इस मंदिर के ऊपर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भंडारा कब लगता है भैया? पुआर के नवरात्रम में, जो 9 दिन का नवरात्रम लगते हैं उसी में इनको पूजा पाठ चलता है। लेकिन इनका कभी भी मतलब अपना मानता है, जब भी मतलब वहाँ से जैसे आप कहीं बाहर रह रहे हो, हाँ जी, आप समय मिल जाए उनका आके भंडारा कर दो, उनका पूजा पाठ करके आप फिर चले जाओगे। 15 दिन हफ्ते के लिए आया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, अपना श्रद्धा है, इनका कोई टाइम नहीं, अपना पूजा पाठ जब दिल का है तब करो। अच्छा, लेकिन नवरात्र में खास तौर पे आते हैं, मतलब नवरात्र पे खास तौर पर यहाँ पर भंडारा होता है और पूरे स्थानीय लोग यहाँ पर, जितने भी गाँव है, सब इकट्ठे होते हैं। अच्छा, रामायण भी होता है। अच्छा, पूरा एकदम सजावट भी होता है इनका। अच्छा अच्छा, पूरा एकदम बगैते इनका मतलब नाम है पच भैया। अच्छा, क्या नाम है? पच भैया। अच्छा, पच भैया, ये नाम इसकी कोई कहानी भी प्रसिद्ध है पच भैया? पहले इनका नाम तो कुछ और भी था, लेकिन अब उसके आगे पीढ़ी क्या थे अब नहीं, लेकिन इनको पहले बरई बाबा के नाम से जाना जाता था। अच्छा, बरई बाबा के नाम, बरई बाबा के नाम से अब पच भैया नाम से जाने जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, यही हमने अपने हमारे जो हमारे पिता जैसे हमारी पीढ़ी जो नीचे ऊपर हमारे बाप हुए राजा हुए वो उनके नाम से थे। अच्छा, लेकिन आज के जमाने हमारे पच भैया के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा अच्छा, पच भैया के नाम से ये जाना जाता है, फेमस है बहुत ज्यादा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं दर्शन करने। आइए दोस्तों, हम भी यहाँ पर दर्शन करने चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग शादी का कार्ड भी चढ़ाते हैं, देख सकते हैं आप, पहलवान वीर बाबा लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं, श्री पहलवान पीर बाबा पच भैया। बिल्कुल, आप जो मैंने मानता माना हूँ पूरा हुआ हमारा। अच्छा अच्छा, जो आज तक आपने माना पूरा हुआ है? मैंने पूरा हुआ है, पूरा हुआ है, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं भी जो वादा पूरा हुआ है, जो मैंने यहाँ बोला हूँ मेरा पूरा हुआ है, मैंने इसलिए मैंने यहाँ पे इनके दरबार में आया। आप देख सकते हैं कितना स्थानीय लोगों कितना विश्वास है इस मंदिर के ऊपर। मंदिर नहीं है, नहीं जान लीजिए, भगवान का ये है, भगवान का रूप है, भगवान का रूप है इनका। अच्छा अच्छा, ये वादा पूरा हुआ है। और मैं भी प्रतापगढ़ का ही रहने वाला हूँ, मेरा घर भी यहीं से 2-3 किलोमीटर दूर है, बजान के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर मेरा घर है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहता। लेकिन भाई साहब, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं ये श्री राम आधार पटवा ग्राम मकईपुर, देख सकते हैं आप, ये हनुमान जी का टेंपल है। आइए पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं।
देख सकते हैं आप, हनुमान जी का टेंपल है ये, देख सकते हैं आप। अब हम शिव शंकर जी के टेंपल में चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों ओर कितना बढ़िया नजारा है। ये नंदी जी हैं, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, दर्शन कर रहे हैं आप शिवलिंग। बहुत ही आनंदमय महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर के। आप अब इधर देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह का नजारा है, आप देख सकते हैं। कुछ आगे चल करके, कुछ 3-4 किलोमीटर आगे जाकर यहाँ पर सई नदी भी है, आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया नजारा है। आप देख सकते हैं एक पुराना कुआं भी है यहाँ पर, लेकिन इसमें पानी इस समय नहीं है। पहले पानी की व्यवस्था के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों आज हमने देखा पच भैया टेंपल है, ये देख सकते हैं। बहुत ही आनंद आया हमें यहाँ पर दर्शन करके, और यहाँ हमने काफी लोगों से बात करी। दोस्तों ये वीडियो हमारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।